नमस्कार, स्पंदन की दुनिया में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस यात्रा में आप जानेंगे कि क्या है वो छोटे छोटे से उपाय आपके मूलांक के हिसाब से, जो कि आप अपने जीवन में अप्लाई कर करके अपने जीवन में प्रगति जो है उसको हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन में ग्रोथ, अपने जीवन में पैसा उसको आकर्षित कर सकते हैं। क्या है वो छोटे से रहस्य जिनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे, पर उससे पहले जानेंगे कि स्पंदन है क्या, वाइब्रेशंस क्या है। वाइब्रेशंस वैज्ञानिक भी अभी तक जहां तक शोध कर पाए हैं, वैज्ञानिक भी अभी तक जहां तक खोज कर पाए हैं, वो ये है कि सारा जगत जो है वो केवल और केवल वाइब्रेशंस पर टिका है। यानी कि स्ट्रिंग थ्योरी, सारे जगत का जो निर्माण है, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड जो इस वक्त चल रहा है, वो एक वाइब्रेशंस के ऊपर चल रहा है। आपका अस्तित्व आने से पहले भी आप जब अपनी माँ के गर्भ में थे, उस वक्त माँ के जो हृदय है जब वो धड़कता था, वो वाइब्रेशंस जो हैं आपको नर्चर कर रही थी। जब आप इस पृथ्वी पर आए तो आप पहली बार जब रोए उसने एक वाइब्रेशन क्रिएट किया। जब माँ बच्चे को टॉयलेट कराती है तो भी एक वाइब्रेशन यानी कि एक स्पंदन क्रिएट करती है जिससे कि बच्चा टॉयलेट करता है। जब जैसे जैसे आप अपने जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, जिस नाम से आप जाने जाते हैं वो नाम भी आपके एक स्पंदन क्रिएट करता है, एक वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट करता है। और जैसे ही व्यक्ति इस जगत को छोड़ता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी श्वास और उसकी हृदय कि जो धड़कना है यानी कि हार्ट बीट, अगेन वाइब्रेशंस जो हैं वो चल रही हैं या अभी रुकी। तो वाइब्रेशंस जो हैं वो एक ऐसा गुड़ रहस्य है। हमारे संस्कृत में भी जितने मंत्र उच्चारण हैं वो भी एक वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो विषय ये नहीं है कि आपके नाम में एक अक्षर ऐड करके नाम जो है उसका उच्चारण जो है वो सेम रहा तो क्या रिजल्ट क्रिएट होंगे। नाम के उच्चारण में जब तब्दीली होती है तब वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। आज वो छोटे से उपाय जो कि आप जानेंगे आपके मूलांक के हिसाब से, वो कौन से छोटे से उपाय हैं जो कि आप अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन में जो प्रगति है उसको हासिल कर सकते हैं, या जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं जो आ रही हैं आपको जीवन में, आप उनसे निजात पा सकते हैं। तो आज जानेंगे एक अंक से लेके 9 अंक तक जो आपके मूलांक हैं, उन एक अंक से लेके 9 अंक तक के मूलांक के वाइब्रेशंस को समझना और उनको किस तरीके से एनहांस करना ताकि आप अपने जीवन में धन दौलत शोहरत और सेहत जो है उसको आकर्षित कर पाए। नंबर 1, जिन व्यक्तियों का भी मूलांक है यानी कि जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हुए, यानी कि जब हम पहले 2 डिजिट्स को स्क्वीज डाउन करके 1 अंक तक ले आते हैं वो मूलांक है। यानी कि मूलत है, मूल आधार आपका वैसा है, आप बाय नेचर आप वैसे हैं। आप सारा जीवन जो है कुछ बनने में निकाल देते हैं, पर मूल कैसा है आपका, क्योंकि सारा जीवन जो है आप उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, ये एक जीवन को जीने में आप अपने वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं। एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। तो वाइब्रेशंस जो हैं बहुत काम करती हैं। जब कभी एक व्यक्ति को बोला जा सकता है कि हाँ तू ये कर सकता है, तो एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तो वो व्यक्ति उस काबिल हो या ना हो वो काम कर पाता है। जब किसी को कह दिया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता, तो चाहे वो काबिल भी हो वो ये काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस जो हैं वो वैसी क्रिएट हुई। जब आप अपने मूल के साथ जुड़ के रहते हैं तो आप एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं जो कि आपको आपके जीवन में ऐसे रिजल्ट्स देगी जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 1 बनता है यानी कि सूर्य की वाइब्रेशन, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक काम वो अगर नियमित रूप से करें कि सुबह जिस भी वक्त वो उठते हैं, उठने के बाद जब भी कभी मुमकिन हो वो सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन जरूर करें। और साथ ही साथ में सूर्य क्या है, आपकी आत्मा है, और सूर्य तब प्रबल होता है जब आप स्वयं के साथ प्यार करना शुरू करेंगे। और स्वयं के साथ कैसे प्यार करेंगे, आप सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन करने के बाद अपने आप को आईने में देखिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, तो आपके 1 नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी। या आप अपने मोबाइल के ऊपर अपने सबसे खूबसूरत पिक्चर जो है, सबसे खूबसूरत फोटोग्राफ, उसका वॉलपेपर रखिए, तो आप
सबसे पहले अपनी वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि नंबर एक, यानी कि आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होगे, जो कि खुद सूर्य की है। एक नंबर आप अक्सर देखेंगे, जो भी व्यक्ति अपनी सोल के साथ डिसकनेक्टेड होते हैं, अक्सर उनके फेसबुक प्रोफाइल पर अपनी पिक्चर नहीं होती, अपने मोबाइल के ऊपर अपनी पिक्चर नहीं होती, यानी कि अपने सोल के साथ वो डिसकनेक्टेड है। तो ये एक पहला लक्षण है कि एक नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है। तो जैसे ही आप सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, अपने आप को आईने में निहारना शुरू करते हैं, अपनी फोटोग्राफ से के साथ यानी कि अपने साथ प्यार करना शुरू करते हैं, एक नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं। दो नंबर जिनका भी मूलांक है, जिनका भी टोटल दो नंबर आता है, वो व्यक्ति जिस तरह से एक नंबर वाले व्यक्ति सूर्य देवता को देखें, ठीक उसी तरह से दो नंबर वाले व्यक्ति चंद्रमा की रोशनी में जरूर 5 मिनट स्पेंड किया कीजिए एटलीस्ट। और साथ ही साथ में अपनी पॉकेट में चांदी का एक गोल सिक्का, यानी कि अपनी वॉलेट में चांदी का एक गोल सिक्का जो है वो जरूर रखें, आपके जीवन में वो प्रगति लेकर आएगा। क्योंकि दो नंबर इमोशंस हैं, दो नंबर धन का पहला स्वरूप है, पैसे का पहला स्वरूप है, क्योंकि पैसा जो है वो चंचला है और चंद्रमा जो है वो गति का प्रतीक है। तो पैसा आता है जाता है, चंद्रमा जो है पहला उसका कारक है। तो जैसे ही आप करेंगे, आपके जीवन में जो पैसे का फ्लो है, पैसे का जो बहाव है वो बन जाता है। तीन नंबर जिनका भी मूलांक है, यानी कि बृहस्पति, यानी कि देवगुरु। तो देवगुरु की वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए ऐसे व्यक्ति यदि अपने मेंटर्स जो हैं आपके जीवन में, उनसे आपने शिक्षा ली, उनसे आपने कुछ सीखा, आप उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं लगातार ले, ताकि आपके जीवन में तीन नंबर की ब्लेसिंग्स जो हैं, तीन नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोमिनेंट रहें। और साथ ही साथ में जो तीन नंबर यानी कि बृहस्पति, हमेशा एक देने की भावना वो जरूर रखें। तो जब भी आप देने की भावना रखेंगे तो आप अपने जीवन में प्रगति जो है वो निश्चय ही हासिल करेंगे। जिन भी व्यक्तियों का मूलांक चार है, चार मूलांक यानी कि राहु। राहु क्या है? राहु वास्तविकता में ध्यान है। राहु जिस व्यक्ति का ध्यान जिस जगह पर लगा देगा, या वहां पर पॉजिटिविटी इतनी क्रिएट कर देगा, या अगर डिस्टॉर्ट करेगा तो नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। पर ध्यान का प्रगाढ़ होना ये राहु का प्रतीक है। तो जिन भी व्यक्तियों का चार नंबर है, उनको एक एक्सरसाइज अपनी लाइफ में, अगर वो एक एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि चार नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करनी शुरू कर देंगी। जो भी व्यक्ति चार नंबर के हैं जिनका मूलांक, उन्हें कंटिन्यूसली एक एक्टिविटी जो है वो करनी है, यानी कि त्राटक कहा गया उसे, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, एक बिंदु को कुछ समय के लिए लगातार देखना, क्योंकि राहु आपका ध्यान लगाता है और डिस्टॉर्ट भी राहु करता है। तो जैसे ही आप त्राटक की विधि करते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट को, एक ही बिंदु, कोई भी एक बिंदु बना लीजिए, एक डॉट ही एक पेपर के ऊपर बना लीजिए, उसको जब आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो आप राहु की वाइब्रेशंस को जो है वो फोकस कर देंगे, राहु की वाइब्रेशंस को अलाइन कर देंगे। तो ये छोटा सा उपाय राहु के व्यक्ति जिनका भी चार नंबर है, और मैं बार बार कहता हूं कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा चार नंबर और सात नंबर दोनों को ही करनी चाहिए। अगला जो अंक है वो है 5 नंबर, यानी कि बुद्धि का नंबर, यानी कि बुद्ध का नंबर। तो आप इस चीज को, अंतर को समझिए, एक होता है बुद्धू, एक होता है बुद्ध और एक होता है बुद्धि। बुद्धू तब कहा जाता है जब बुद्धि काम नहीं करती, और बुद्धि से जब ऊपर व्यक्ति चला जाता है तो वो बुद्ध बन जाता है। वो कब बनता है? क्योंकि मरकरी प्लैनेट एक ऐसा है जो कि आपके चेतन मन को गोवन करता है। तो चेतन मन की वाइब्रेशंस, यानी कि 5 नंबर की वाइब्रेशंस को और प्रोमिनेंट करने के लिए, और एनहांस करने के लिए, जो भी व्यक्ति 5 नंबर जिनका मूलांक है, वो अगर तुलसी का एक पत्ता अगर उसको स्वॉलो करें, क्योंकि तुलसी के पत्ते को चबाया नहीं जाता, उसको यदि स्वॉलो करेंगे तो 5 नंबर जो है मरकरी का एनहांस होगा। आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका माइंड जो है और शार्पन हो जाएगा। साथ ही साथ में यदि आपके घर में कोई पौधा है तो आप उसको खुद नर्चर करना शुरू कीजिए, खुद उसकी देखभाल करना शुरू कीजिए, 5 नंबर की वाइब्रेशंस प्रोमिनेंट होती चली जाएंगी।
जिन व्यक्तियों का भी 6 नंबर है, यानी कि 6 नंबर, यानी कि दैत्य गुरु, यानी कि शुक्राचार्य। देवगुरु कहते हैं कि सिर्फ देना, शुक्राचार्य कहते हैं कि मेरा क्या रेलिवेंट क्या है मेरे लिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि पहले खुद से प्यार करो, फिर किसी और से। देवगुरु कहते हैं कि चाहे खुद से करो ना करो, दूसरों का भला हो। शुक्राचार्य कहते हैं पहले मेरा भला, फिर दूसरों का भला। तो जो पहले मेरा भला है, यानी कि अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना, यानी कि अपने आप को निखारना, उसकी एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो आप जब अपनी बॉडी की देखभाल करने शुरू करते हैं, ब्रांडेड कपड़े डालना शुरू करते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाना शुरू करते हैं, अपने आप के ऊपर खर्च करना शुरू करते हैं, तो शुक्र जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, वीनस जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो आप ये छोटी सी एक्टिविटीज, यानी कि परफ्यूम्स का यूज, यानी कि पाउडर्स का यूज, यानी कि अच्छे ब्रांडेड क्लॉथ जो है, कपड़े जो है उनका उपयोग करेंगे, तो 6 नंबर की वाइब्रेशंस जो है वो प्रोमिनेंट होंगी। 7 नंबर की यदि हम बात करें, 7 नंबर यानी कि केतु, जो कि बिना सर का हिस्सा, राहु सर है और केतु जो है वो धड़ है। तो धड़ जो है यानी कि आत्मा, जब वो व्यक्ति 7 नंबर वाले व्यक्ति अक्सर एक खोज में रहते हैं, अक्सर उन्हें इनकम्प्लीशन की एक फीलिंग रहती है कि सब कुछ है मेरे पास बट कुछ मिसिंग है। ये कुछ मिसिंग तब पूरा होगा जब उनकी अंतरात्मा तृप्त होगी। अंतरात्मा तृप्त कैसे होगी? जब वो मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में जब वो अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर जब वो लगाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी आत्मा जो है वो तृप्त होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ में 4 नंबर और 7 नंबर, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, 4 नंबर और 7 नंबर हमेशा भगवान श्री गणेश जी की जो है वो पूजा आराधना करेंगे, क्योंकि भगवान श्री गणेश राहु और केतु का मिलन है और वो ध्यान और धारणा को एक करना सिखाते हैं। यानी कि आपकी ध्यान और धारणा जब एक हो जाती है तो आप विजयी हो जाते हैं। तो 7 नंबर वाले व्यक्ति मेडिटेशन के टाइम अपनी श्वासों पर गहरा ध्यान देंगे। और एक छोटा सा उपाय, वो जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, वट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ, वो हमेशा एक अपनी डायरी अपने पास रखेंगे। जो भी इच्छा उनके मन में आती है, उस इच्छा को वो पेन से उस डायरी पे उतारते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे आप उन इच्छाओं को डायरी पे उतारते जाएंगे, आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। 8 नंबर वाले व्यक्ति यानी कि कार्मिक नंबर, यानी कि जो आप करेंगे वो आप भरेंगे, और 8 नंबर जो है वो आपके कर्मों का निर्धारण कर देता है कि आपने जो कर्म किए पूर्व जन्म में वो अभी आपको भोगने हैं, और अभी जो करेंगे वो आप आगे लेके जाएंगे। तो 8 नंबर कार्मिक नंबर है, इसलिए आपके आसपास जिन व्यक्तियों का भी मूलांक 8 है, ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में आपको जो भी व्यक्ति सर्व कर रहा है उसको हमेशा खुश रखें। वो जब भी जो आपको सर्व कर रहा है, जब भी आपको देखे, उसके चेहरे पे जितनी स्माइल आती चली जाएगी, आपके जीवन जो है वो और प्रगति की ओर होता चला जाएगा। जब भी आप किसी बाजार में जाते हैं, किसी एक छोटे जो रेहड़ी वाला है उससे अगर कोई सामान खरीदते हैं, कभी बार्गेन ना करें। तो आप जो उनकी मेहनत है, अगर आपको किसी ने सर्व किया, वो 10 रुपए मांग रहा है, और अगर 1 रुपया भी आप ज्यादा देते हैं तो वो 1 रुपया आपके जीवन में 1,00,001 करोड़ बन के आएगा। ये छोटा सा उपाय है जो कि आपको ताउम्र करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अभी के लिए नहीं, मैं आपकी ताउम्र की बात कर रहा हूं। जो भी उपाय आपको बताए गए हैं ये सारी उम्र के लिए है। 9 नंबर यानी कि मंगल, और मंगल क्या है? एक इच्छा। व्यक्ति जब भी एक जीवन मरण के चक्रव्यूह में जब फंसा रहता है, तो मंगल जो है एक डिजायर है। जब एक आत्मा एक पृथ्वी को छोड़ती है, इस पृथ्वी को जब छोड़ती है, तो एक इच्छा के साथ इस पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो वो इच्छा का पूरा होना और एक नई इच्छा का जन्म ले लेना, ये मंगल एक डिजायर क्रिएट करती है। तो बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं मंगल वाले, इनके अंदर एग्रेशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर अगर ये अपने एग्रेशन को अच्छे से चैनलाइज कर पाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों का 9 नंबर है, वो एक छोटा सा उपाय अगर आप अपने जीवन में करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन में जो एनर्जीज हैं वो कैसे आप उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो जिन भी व्यक्तियों का 9 नंबर है, वो अगर जहां उनका रसोई घर है, यानी कि जहां उनकी किचन है,
वहां पर अगर बैठ के खाना खाते हैं तो आपके मंगल की वाइब्रेशंस आपके जीवन में वैसी प्रगति लेके आएंगी जैसी कभी आपने सोची भी नहीं थी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, एक अंक से लेके 9 अंक तक, जो कि आप अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन में खूब धन, खूब शोहरत और खूब सेहत जो है और खूब रिश्तों को जो है वो संचय कर पाएंगे। आज्ञा चाहता हूं, 1 अंक से 9 अंक तक के लिए आपने ये जाने, ये सरल से उपाय आप अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाइए। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, धन्यवाद।